शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में रखे बाइक सहित सभी सामान धू धू जलकर हुआ राख। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापट्टी गांव में बुधवार की देर शाम करीब 5 बजे साधु महतो के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आगलगी की इस घटना में घर में रखे बाइक, अनाज, कपड़े, बिछावन सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया है। इस बाबत गृह स्वामी ने बताया कि घर बंद कर पुआल की ढेर लगाने के लिए वे चले गए थे। घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों के द्वारा घर में आग की लपटें उठा देख शोर सुनकर गृह स्वामी को घर में आग लगने का पता चला। जब तक वे आते तब तक घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गया था। इस घटना में करीब 5 लाख की संपत्ति का आग में जलने से नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निशमन विभाग को दिया गया। सूचना पाते ही अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं लोगों के द्वारा आग लगने के संबंध में प्रभारी सीओ सह बीडीओ कृष्ण मुरारी को भी दिया गया और पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजे का लाभ देने की मांग किया गया है। घटना की जानकारी होने के बाद प्रभारी अंचल पदाधिकारी ने बताया कि क्षति का आकलन कर पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रक्रिया किया जा रहा है। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। मैंने लोगों का अनुमान है जो शॉर्ट सर्किट से लगाया और मैंने इसका 5 लाख का कम से कम सामान जल गया है। धान और मैंने मोटरसाइकिल और अन्य सामान कपड़ा लत्ता भी जल गया है। उसको मुआवजा दिया जाए। हमको मांगे जो उसको मुआवजा दिया जाए। 4 बजे की घटना है। मेरा नाम हुआ बिल्कुल प्रसाद महतो।